नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मानसून सत्र की। लोकसभा में काफी तीखी बहस देखने को मिली। ये बहस हुई अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी के बीच। दरअसल जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी लगातार आवाज उठाते रहे हैं और लोकसभा में भी उन्होंने इसी को लेकर बात करी, लेकिन अनुराग ठाकुर ये कहते हुए नहीं चुके कि जिनकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात कर रहे हैं। संसद के मानसून सत्र के सातवें दिन लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हुई। अखिलेश यादव ने भी अनुराग ठाकुर और केंद्र सरकार पर तंज कसा। वहीं निर्मला सीतारमण ने बजट पर सांसदों के पूछे गए सवालों का जवाब दिया। राहुल का नाम लिए बिना अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपके बोलने के लिए पर्ची आती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती। आज लोग कुछ लोगों पर जाति जनगणना का भूत सवार है, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि जो भी दलितों की बात उठाता है उसे गाली खानी पड़ती है, मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी, मेरी बेइज्जती की है, लेकिन मुझे इनसे माफ़ी की भी मांग नहीं है। हमें जातीय जनगणना चाहिए, वो हम करा कर रहेंगे। इसराइल ने ईरान पर बड़ी कार्रवाई की है। जी हाँ, ईरान ने हमास चीफ इस्माइलिया को ढेर कर दिया है। ईरान ने हमले में हमास चीफ इस्माइल हानिया को ढेर कर दिया। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स यानी कि IRGC ने एक बयान में पुष्टि की है कि तेहरान में उनके आवास को निशाना बनाने के बाद हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और उनके एक गार्ड की मौत हो गई। ईरान के IRGC ने इसकी पुष्टि की है। बताया गया है कि हमास नेता इस्माइल हानिया और उनके गार्ड की तेहरान स्थित उनके आवास पर हुए हमले में मौत हो गई। और इसके साथ ही IRGC ने कहा कि हमला बुधवार सुबह हुआ है, इसकी जाँच चल रही है और इसको लेकर शोक व्यक्त किया गया है। हमास ने हानिया की मौत का जिम्मेदार इसराइल को ठहराया। ये घटना ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हानिया की उपस्थिति और मंगलवार को ईरान के सर्वोच्च नेता के साथ उनकी बैठक के बाद हुई। उधर केरल के वायनाड में जिस तरह से भूस्खलन हुआ उसके बाद से यहां पर मौत का मंजर देखने को मिला। दरअसल इस हादसे में 151 लोगों की मौत बताई जा रही है। राहत बचाव कार्य अभी भी यहां पर जारी है। दरअसल 30 जुलाई को एक साथ 4 बार भूस्खलन यहां पर हुआ अलग अलग जगहों पर, जिसमें कि कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और अभी भी कहा जा रहा है कि सैकड़ों लोग लापता हैं। केरल के वायनाड में मंगलवार तड़के आए भूस्खलन की वजह से काफी ज्यादा तबाही मच गई है। अभी तक 151 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आ रही है। राहत और बचाव का कार्य जारी है और फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने लगातार वायनाड के हालातों पर नजर बनाई हुई है। वायनाड भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 151 हो गई। भारतीय सेना के जवानों ने चुरलमाला में बचाव अभियान शुरू किया है। यहां सेना की 4 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। NDRF भी टीमें भी लोगों को बचाने का काम कर रही हैं। भारतीय वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर, एक MI-17 और एक ALH भी बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। उत्तर भारत में जब से मानसून ने दस्तक दी है तब से कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो मौसम विभाग ने आज यानी कि 31 जुलाई को दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है। मानसून को आए अब काफी समय बीत गया है, लेकिन अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर उमस की वजह से लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं। उन राज्यों में सबसे टॉप पर दिल्ली NCR का नाम है। यहां पर एक बार फिर से उमस और गर्मी ने अपना डेरा जमा लिया है। वहीं कुछ राज्यों में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि वहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और पूरा जनजीवन भी प्रभावित हो गया है। वहीं पहाड़ों पर तो मौसम अलग ही रंग दिखा रहा है। भले ही उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश हो रही है, लेकिन हरिद्वार में 2 दिनों से तेज धूप चमक रही है। दिल्ली में भारी बारिश के इंतजार में बैठे दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर है। आने वाले 2 दिनों में दिल्ली में कुछ जगहों पर झमाझम बारिश होने के आसार है। मंगलवार को भी रात को राजधानी के कुछ जगहों पर बारिश हुई। बारिश की वजह से उमस अब ज्यादा बढ़ने लग गई है। हालांकि जो धूप थी उससे थोड़ी राहत है, लेकिन उमस से लोग काफी परेशान हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे दिल्ली की। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जिस तरीके से शनिवार को घटना देखने को मिली, पानी में बेसमेंट में पानी भरने की वजह से और इसमें डूबने की वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई। इसके बाद से सड़क से लेकर सदन तक में इस मुद्दे को उठाया गया। राजनीति भी इसमें तेज हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो छात्र हैं वो आश्वासन पर क्या कुछ कह रहे हैं वो आप जरा सुनिए। सर, आश्वासन एक ऐसा शब्द है ना सर कि जो लोगों को गोल घेरे में घुमा देता है। सर, वो घूमते रह जाएगा और कहीं कोई उसका एंड पॉइंट नहीं है। सर, आश्वासन सर संस्कृति IAS जो कांड हुआ था यहाँ पर, जो आग लगी थी मुखर्जी नगर में, उसमें भी आश्वासन मिला था सर। हफ्ते भर के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट सारी ओपन हो गई थी। अब वैसा गलती अगर हम आश्वासन लेके कर दें इस बार भी,
हमारा प्रोडक्ट अगर वीक हो जाए आश्वासन सिर्फ सुन के, तो सर क्या फायदा है इस बात का? आगे आने वाले समय में भी घटनाएं घटेंगी, तो सर आश्वासन हमें नहीं चाहिए सर, हमें अपनी मांगे पूरी चाहिए, एक्शन चाहिए। आश्वासन से कुछ नहीं चलता, आश्वासन से नहीं चलता। पुलिस समझा रही है सर, पुलिस समझा रही है सर। कल यहाँ पर ना रैपिड एक्शन फोर्स को तैयार किया गया था बच्चों को डराने के लिए। उससे एक दिन पहले सुबह 6 बजे के आसपास यहाँ पुलिस ऑफिसियल्स हैं, उन्होंने मैनिपुलेट करने की कोशिश करी कि आप अपने प्रोटेस्ट को साइड में कर लो। सर ये इतना छोटा मुद्दा है सर, ये 3-4 लोगों की मौत हुई है सर, ये अपने अपने घर के चिराग, जिनके घर के चिराग बुझे हैं सर, क्या इतना छोटा मुद्दा है कि हम प्रोटेस्ट यहाँ से हटा के कोने में कर लें? सर ये तो हम बहुत कम स्पेस लिए हैं, ये तो सर बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होना चाहिए सर, कि एक 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 जान की भी कीमत होती है सर। बिल्कुल नहीं सर, यहाँ से जब तक डिमांड हमारी पूरी नहीं होगी, एक्शन नहीं होगा, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ये थी वो अहम खबरें जिन पर पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी, और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे।